रामनगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के तहत दोपहर 2 बजे से बाजार बंद रहा। वहीं शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू को लेकर मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान सरकार की गाइडलाइंस को लेकर आम जनता से लेकर पुलिस प्रशासन लापरवाह नजर आया है। दरअसल सरकार के नियमों का पालन कराने वाले जिम्मेदार अधिकारी ही सड़कों से गायब रहे। वहीं प्राइवेट बसों में भी कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई हैं। इस दौरान यात्रियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब चुनाव पर रैलियां निकाली गई थी तब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं उन्होंने लापरवाह अधिकारियों से सड़कों पर आकर गाइडलाइन का पालन कराने की बात कही है। नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताएं कि उत्तराखंड में लगातार कोरोना की महामारी की दूसरी लहर अपने पैर पसार चुकी है, जिसको लेकर लोग काफ़ी दहशत में हैं तथा कई लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने मंगलवार की रात को एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 2 बजे तक बाज़ार खुले रखने की इजाज़त दी गई है तथा 2 बजे के बाद बाज़ार पूरी तरह बंद रखने का सरकार ने फरमान जारी किया है। तो वहीं 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया है। रामनगर में हम इस समय खड़े हैं रोडवेज स्टेशन में। आप देख सकते हैं कि सरकार की गाइडलाइन का किस तरीके से यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन पूरी तरह बेपरवाह बना हुआ है। प्रशासन के तौर पर अगर देखा जाए तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सड़क पर मौजूद नहीं है, जिस कारण सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। वहीं लॉकडाउन को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ यात्री भी आ रहे हैं, यात्री भी काफ़ी परेशान हैं। तो हम बातचीत करेंगे, यहाँ कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कि उनको किस प्रकार की यहाँ दिक्कत हो रही है, कि सरकार की गाइडलाइन का किस तरीके से पालन हो रहा है। हम बात करेंगे, यहाँ आप टेम्पो चालक हैं, किनसे बात करेंगे कि टेम्पो चालक किस प्रकार की सरकार की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है इसको लेकर कितना संतुष्ट हैं और कितना परेशान है कि जो सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। आप टेम्पो का कारोबार करते हैं, सुबह से किस प्रकार के यात्री आ रहे हैं और किस प्रकार के यात्रियों को आप छोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं? यात्रियों को छोड़ने की हम व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे कोई पेशेंट है, मरीज है, उसको जो है अपने ऑटो में जो है सिंगल एक या दो सवारी करके हम उसको छुड़वा रहे हैं, या कोई जैसे किसी को लंबा जाना है उसको छुड़वा रहे हैं। और गाइडलाइन की पूरी जो है फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गाइडलाइन जो सरकार ने दी है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, मगर ज़्यादा ऑटो नहीं चल पा रहे हैं। 2-4 ऑटो जो है इमरजेंसी सेवा के लिए हमने जो है यहाँ पर रखे हैं। तो आपका कहना है कि सरकार की गाइडलाइन का ये पालन कर रहे हैं, कुछ ही ऑटो सड़कों पर चल रहे हैं, जिसको मैं यात्रियों को और जो मरीज हैं उनको अस्पताल ले जाने की व्यवस्था। हमारे साथ एक यात्री भी मौजूद हैं, हम आपसे पूछेंगे कि भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं पहाड़ से आ रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे जाना रुद्रपुर। तो किस प्रकार का, जैसे लॉकडाउन लग गया है तो कैसे आप महसूस कर रहे हैं, परेशानी किस प्रकार? महसूस ये सिर्फ बीजेपी की चाल है, ये यहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं इनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ ये भसड़ कर रहे हैं रैली में, शायद शर्ट में चुनाव था या बंगाल में चुनाव है या तमिलनाडु में चुनाव है, कहीं भी चुनाव है वहाँ ये रैली कर रहे हैं पूरी, ये सिर्फ आम जनता को परेशान करने के लिए है। तो आपका कहना है कि भाजपा की पूरी तरह चाल है, सल्ट में भी उपचुनाव हुआ या आसाम में चुनाव हुआ, वहाँ पार्टियों की रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का कोरोना का प्रभाव नहीं दिख रहा है। बंगाल में भी चुनाव हुए, वहाँ किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ जनता को बेवजह परेशान करने के मकसद से सरकार के ये कार्रवाई चल रही है, जिसका उन्होंने विरोध किया। अभी हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ जो है परेशानी हो रही है। लॉकडाउन को लेकर तरह तरह के सवाल लोग यहाँ कर रहे हैं। हम पूछना चाहेंगे कि भैया आप कहाँ से आए? सजानपुर से आए। कहाँ जा रहे हैं आप? घट्टी जाना है, बतरोज खान। तो आपको कोई दिक्कत रास्ते में, टिकट कितना ले रहे हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन से संतुष्ट हैं आप? जी संतुष्ट हैं। तो आपका कहना है कि सरकार ने सही किया है, लॉकडाउन ठीक है? अभी हमारे साथ दूसरे यात्री मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि वैसा आप कहाँ से आए? बेंगलोर से। बेंगलोर से आए, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ अल्मोड़ा। अच्छा, आपको पता है कि लॉकडाउन लग गया है तो रास्ते में किस प्रकार की दिक्कत है? पूरा दिक्कत हो रही है, जब मेरा हालत हो मेरे को पता है क्या हालत हो रही है। तो सरकार ने जो लॉकडाउन कोरोना को लेकर चल रहा है इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए जनता के लिए सुविधा होनी चाहिए ना, कुछ जो लोग जो फंसे हुए बीच फंस रहे हैं जो, उनके लिए कुछ होना चाहिए, उनके लिए कुछ नहीं है ना।
तो आपने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन जो लोग बाहरी क्षेत्रों से आकर पर्वतीय क्षेत्रों में जा रहे हैं और मैदानी क्षेत्रों से आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन लगाने से पहले इन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसको लेकर यात्री भी काफ़ी परेशान हैं। तो अभी हम बात करेंगे भाई साहब, आप रामनगर के ऑटो वाले, किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं आप? सर, जो सवारी आ रही है जिनके पास टिकट है, इनको ऑटो से छोड़ने के लिए जा रहे हैं हम, और टिकट दिखा के जैसे जो परेशान है इनको छोड़ रहे हैं ऑटो से। दो चार ऑटो चल रहे हैं, बाकी सारे ऑटो खड़े हैं हमारे। पुलिस की क्या व्यवस्था है? पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है, देखो आप मना ही कर रहे हैं, वैसे हम लगे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा कि छोड़ो इनको, ऑटो से छोड़ो जो परेशान है। तो आप भी टेम्पो चालक का यहाँ काम करते हैं, आपका कहना है कि जो भी परेशान यात्री या मरीज हैं उन्हीं को छोड़ने की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर लॉकडाउन को लेकर कहीं ना कहीं जनता परेशान है। जनता का सीधा सीधा तौर पर एक सवाल है कि सरकार ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन लगना भी चाहिए, बीमारी से निजात भी मिलनी चाहिए, लेकिन यात्री और जनता की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम सरकार को करना चाहिए। तो वहीं सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, रामनगर में लोग सड़कों पर बेपरवाह घूम रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भय लोगों में नहीं है, ना प्रशासन का खौफ है। तो वहीं रामनगर के प्रशासनिक अधिकारी भी सरकार की गाइडलाइन का पालन कराने में पूरी तरह लापरवाह नजर आ रहे हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज 31 उत्तराखंड। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।